हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग स्ट्रॉन्ग। आज की इस वीडियो में हम जिमनास्टिक के कुछ बेसिक स्टेप है जिनसे जिमनास्टिक को स्टार्टिंग होती है, जैसे कुछ फॉरवर्ड रोल हो गया, बैक रोल हो गया, हैंड स्टैंड हो गया, बैक हैंड स्टैंड हो गया, फ्रंट रोल टू स्प्लिट, बैक रोल टू स्प्लिट, काफ़ी ऐसे स्टेप है बेसिक जिमनास्टिक स्टार्ट करने से पहले आने चाहिए। उसी से एक जिमनास्टिक स्टार्ट होती है जो जिमनास्टिक के फ्लोर एक्सरसाइज का कुछ पार्ट होता है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ जिमनास्टिक की कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा, जिनको कुछ बेसिक स्टेप होंगे जिनको आप देख के आसानी से सीख पाएंगे। चलिए आज का इस वीडियो शुरू। जिमनास्टिक का फर्स्ट बेसिक स्टेप होता है रॉकिंग। रॉकिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप जिमनास्टिक का कोई भी बेसिक स्टेप नहीं कर सकते हैं। रॉकिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने पंजों में बैठना होगा। पंजों को बैठने के बाद अपने घुटनों को आगे से पकड़ना होगा, देन बॉडी को पीछे ले जाते हुए कमर के बल फिर वापस पंजों पे आगे की तरफ आना होगा। ऐसे आपको कम से कम 10 बार एक्सरसाइज उसको करनी होगी। वापस घुटनों को पकड़ेंगे, बॉडी को पीछे ले जाएंगे और पंजों पे आएंगे। इसी तरह आप मेरे साइड वे से देख सकते हैं। दोस्तों, आपके इस वीडियो में आपने देखा होगा मेरी बॉडी पूरी पीछे प्रॉपर जा रही है। बॉडी बीच में रुकनी नहीं चाहिए, एक रिदम रहना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, एक स्पीड रहनी चाहिए, तब आपकी ये चीज़ परफेक्ट होगी। अगर एक स्पीड के साथ, एक कोऑर्डिनेशन, एक स्ट्रेंथ के साथ अगर आपका रॉकिंग सही नहीं होता है तो आपकी ये एक्सरसाइज गलत होगी। रॉकिंग करने के बाद फर्स्ट अपन एक्सरसाइज में फॉरवर्ड रोल करेंगे। फॉरवर्ड रोल जिमनास्टिक का सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप होता है। फॉरवर्ड रोल कैसे करेंगे, फॉरवर्ड रोल दो तरह से होता है, एक सिटिंग, एक स्टैंडिंग। सिटिंग कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं आपको स्टैंडिंग भी दिखाऊंगा। सिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने पंजों को बैठना होगा, दोनों हाथ को घुटनों के साइड में रखने हैं, गर्दन को दोनों सिर के बीच में डालते हुए बॉडी को आगे की तरफ थ्रो करना। दोस्तों, फॉरवर्ड रोल करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, आपके कंधे लगने चाहिए, शोल्डर। दोस्तों, इसको प्रॉपर करने के बाद आपको करना है स्टैंडिंग फॉरवर्ड रोल। जब आपका फॉरवर्ड रोल कंप्लीट होगा तो कैसे करना है, दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए जमीन पर रखना है, कंधे पर डालना है, हाथों को हल्का सा बैंड करते हुए कंधे लगाना है और कंधों को आने आगे लगाना है। दोस्तों, एक बार मैं आपको वापस करके दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेप करने के बाद सेकंड स्टेप बेसिक का बैक रोल। बैक रोल से पहले मैंने आपको फॉरवर्ड रोल से करवाया था, फॉरवर्ड रोल से पहले मैंने आपको रॉकिंग करवाई थी। दोस्तों, रॉकिंग आनी बैक रोल के लिए बहुत कंपल्सरी होती है, बिकॉज बैक रोल में जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है रॉकिंग का, वो होना ज़रूरी होता है। अगर आपका रॉकिंग अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं होगा, तो आप बैक रोल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आप देखोगे मैं किस तरह बैक रोल करता हूँ, आपको स्टेप बताऊँगा, उसी स्टेप को आप फॉलो करो। सबसे पहले अपने पंजों पे बैठोगे, दोनों हाथों को कंधों के पास रखोगे, देन उसके बाद हिप को लगाते हुए कमर लगाओगे और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखते हुए पंजों को पीछे की तरफ लगाते हुए हाथों को फोर्स करोगे। दोस्तों, रॉकिंग का मैंने बताया था बेसिक स्टेप, अगर आप पंजों में बैठते हुए बॉडी को ये ले जाते हो तभी आप बैक रोल कर पाओगे। बस रॉकिंग में आपको हाथ घुटनों में पकड़ने होते हैं, इसमें आपको हाथ कंधों के पास रखना है, पंजों पे एडी पे आए कमर, देन ये आपका बैक रोल कंप्लीट हो। बैक रोल भी दो तरह से होते हैं, सिटिंग और स्टैंडिंग। सिटिंग मैंने आपको करके दिखाया, एक बार वापस करके दिखाऊंगा। पंजों पे बैठना है, दोनों हाथ यहाँ रखने, हिप लगा दे, कमर लगाई, देन बैक, ये आपका सिटिंग बैक रोल कंप्लीट। अब आपको स्टैंडिंग बैक रोल करना है। स्टैंडिंग कैसे करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए बॉडी को आगे झुकाना है, दोनों हाथ को साइड में रखोगे और पीछे की तरफ फोर्स करते हुए दोनों हाथ को कंधों की तरफ, देन स्टैंडिंग बैक,
एक बार दोस्तों मैं आपको वापस करके दिखाऊंगा। बॉडी को आगे झुकाते हुए, हाथों को पास में लगाते हुए, देन ये आपका स्टैंडिंग करिए। दोस्तों एक बार मैं आपको वापस करके दिखाऊंगा। बैक रोल सिटिंग स्टैंडिंग, फॉरवर्ड रोल सिटिंग स्टैंडिंग, दोनों करने के बाद अपन हम थर्ड स्टेप करेंगे, हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड टू रोल करने के लिए आपको पहले हैंड स्टैंड आना जरूरी है। वॉल के सहारे आपका हैंड स्टैंड कर सकते हो। मेरे कुछ वीडियो हैंड स्टैंड होल्ड के, हैंड स्टैंड वॉक के हैं, जो आपको लिंक में मिल जाएंगे, उनको आप देख के हैंड स्टैंड भी सीख सकते हैं। दोस्तों हैंड स्टैंड के लिए आप किसी का सपोर्ट भी ले सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको बुलाऊंगा मेरे साथ में, आप देखेंगे किस तरह हैंड स्टैंड में सपोर्ट देके हैंड स्टैंड होल्ड करते हैं। दोस्तों मैं आपको हैंड स्टैंड होल्ड करता हूँ। हैंड स्टैंड अगर आपसे सेल्फ होल्ड नहीं होता है तो आप किसी का हेल्प ले सकते हो। मेरे एक फ्रेंड है अविराज सिंह, जो मेरे को हैंड स्टैंड होल्ड में हेल्प देगा। हैंड स्टैंड करने के बाद में आपको दोनों हाथ को बैंड करते हुए गर्दन को अंदर डालना है, देन रोल होना चाहिए। ये ध्यान रखना है गर्दन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। मैंने आपको फॉरवर्ड रोल में भी सिखाया था दोस्तों, गर्दन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। आप देखेंगे किस तरह करते हैं हैंड स्टैंड। दोस्तों हैंड स्टैंड टू रोल करने के बाद जिमनास्टिक की फोर्थ एक्सरसाइज है बैक टू हैंड स्टैंड। बैक टू हैंड स्टैंड करने के लिए आपको रोकिंग आनी जरूरी है। मैंने कहा था ना दोस्तों, स्टार्टिंग में रोकिंग बहुत बेसिक होता है, रोकिंग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बैक टू हैंड स्टैंड में भी आपकी रोकिंग काम आएगी। दोस्तों बैक टू हैंड स्टैंड करने के लिए एक पहला बेसिक स्टेप है, वो आपका करना जरूरी है। अगर वैसा आपकी स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, स्पीड नहीं बनती है इसमें भी, तो आपका बैक टू हैंड स्टैंड नहीं होगा। और दोस्तों एक बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको बैक फ्लिप को परफेक्ट करना है तो भी आपका बैक टू हैंड स्टैंड आना बहुत जरूरी है। देखेंगे दोस्तों बैक टू हैंड स्टैंड की बेसिक स्टेप। बंदूक बैठना, बैक रोल की तरफ पीछे हुए जाते हुए अपने पाँव को स्ट्रेट करें, पंजों को पीछे ले जाते हुए अपने पाँव को स्ट्रेट करें, हाथों को कंधों के पास रखना है, पाँव स्ट्रेट। प्रॉपर बॉडी स्ट्रेट आने लगे और आप इस एक्सरसाइज को एकदम अच्छे से करने लगे, जब आपको लगे आपकी बॉडी स्ट्रेट आ रही है एकदम, उसके बाद आप बैक टू हैंड स्टैंड की आगे की एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर आप हैंड स्टैंड नहीं कर पाते, अगर आप हैंड स्टैंड सेल्फ कर सकते हैं तो किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। अभी मैं एक बार फिर से अपने फ्रेंड को अभिराज को बुलाऊंगा और आपको हेल्प देके दिखाऊंगा कि किस तरह बैक टू हैंड स्टैंड में हेल्प दी जाती है। दोस्तों मैंने आपको अभी तक चार चीज़ें सिखाई है, फॉरवर्ड रोल, बैक रोल, हैंड स्टैंड रोल, बैक रोल। रॉकिंग भी सिखाई थी, पर रॉकिंग बेसिक का पार्ट नहीं है। इन एक्सरसाइज को करने के लिए रॉकिंग आना जरूरी होता है। अब दोस्तों अगला स्टेप मैं आपको कराऊंगा, कार्टविल। कार्टविल करने के लिए आपको हैंड स्टैंड आना जरूरी है, और मैंने अपना एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो आपको ऊपर कार्ड्स या लिंक में दोनों में मिल जाएगा। दोस्तों कार्टविल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को जो स्ट्रॉन्ग फुट है उसको आगे रखना है, और दोनों हाथों को ऊपर की ओर रखते हुए दोनों हाथ कान के पास रहने चाहिए। हैंड स्टैंड में पोजीशन दोस्तों ये रहती है, जबकि हमेशा ये याद रखना कार्टविल में हैंड्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो आप हैंड्स ये रखते हो उसमें कार्टविल में आपके हैंड्स ये आएंगे, ये जरूर ध्यान रखना।
और दोस्तों ये ध्यान रखना, कभी भी कार्टून में पांव बैंड नहीं होने चाहिए। आगे से यहीं से पंजे खींचने, हाथों को स्ट्रेट रखना है, हाथों को पांव से जस्ट आगे रखते हुए कार्टून करने के बाद अगला स्टेप है फॉरवर्ड रोल टू स्प्लिट, जिसे फ्रंट रोल स्प्लिट भी कहते हैं। उसके लिए आपको फॉरवर्ड रोल आना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यह ध्यान रखना, मिनिमम स्प्लिट खुलने चाहिए, जरूरी नहीं है प्रॉपर 180 खुले, मिनिमम स्प्लिट खुलना चाहिए। मिनिमम स्प्लिट होगी तो आपका फॉरवर्ड रोल टू स्प्लिट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, फॉरवर्ड रोल प्रॉपर पूरा नहीं करना है, हाफ फॉरवर्ड रोल करने के बाद अपने स्प्लिट को ओपन करना है और बॉडी को आगे की तरफ खींचते हुए बॉडी को खड़ा करना है। देखेंगे किस तरह, दोनों हाथ आगे रखे, पांव खोले, आगे हाथ रखना है। मैं वीडियो के द्वारा आपको जूम करके दिखाऊंगा हाथ कहाँ रखना है। दोनों हाथ यहाँ अपने दोनों पांव के जस्ट आगे रखते हुए बॉडी को ये उठाना, ये प्रेस करना। वापिस एक बार दोस्तों फॉरवर्ड रोल, पांव खोले, हाथ आगे रखे, बॉडी को ये उठाना, ये उठा के आपको जंप करना और ये बॉडी भी रखने का। अब पूरा एक साथ में मूवमेंट आपको करके दिखाऊंगा। ये आपका फॉरवर्ड रोल टू स्प्लिट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों एक लास्ट स्टेप बचता है आपका बैक टू स्प्लिट। उसके लिए आपका बैक रोल आना जरूरी है, स्प्लिट आने जरूरी है। ये दोनों ही मूवमेंट बैक टू स्प्लिट, फ्रंट टू स्प्लिट में स्प्लिट बहुत जरूरी है। दोस्तों बैक रोल पूरा नहीं करके इसको भी हाफ करना है और अपने पाँव को खोलते हुए स्प्लिट खोलनी है और बैक टू स्प्लिट करना है। देखेंगे किस तरह, पंजों पर बैठना है, दोनों हाथ को यहाँ रखना है, दोस्तों यहाँ पे आपके जिमनास्टिक के जो भी बेसिक स्टेप होते हैं, फॉरवर्ड रोल, बैक रोल, फॉरवर्ड रोल टू स्प्लिट, बैक रोल टू स्प्लिट, हैंडस्टैंड रोल, बैक हैंडस्टैंड, कार्टविल, ये है आपके जिमनास्टिक के बेसिक स्टेप। ये आपको आने जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप एडवांस नहीं कर सकते हैं। एडवांस में राउंड ऑफ, बैक फ्लिप, बैक सॉल्ट, स्ट्रेट बॉडी, 180 टर्न, 360 टर्न कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जिमनास्टिक के बेसिक पार्ट होते हैं। इनके बिना जिमनास्टिक्स की स्टार्ट नहीं होती। यहाँ कंप्लीट होता है अपना आज का लेसन।